नमस्ते, आई जेवियन आरजू आर एफ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेबनर की थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा था। हम लोग मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं। मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट करने में जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था या फिर पहली जो थ्योरी थी, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी। थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में अगर समराइज़ किया जाए, तो हम बेसिकली ये देखे थे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी, वो बेसिकली हमारे जितने भी अर्थ पर जितने भी प्लेट्स बनी हुई है, वो किस तरीके से एक दूसरे के पास आई। पास आने के बाद हमारा पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का जो मैप है, जिसके अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, उन सब का फॉर्मेशन हुआ। तो वेगनर ने यही समझाया था कि हमारा स्टार्टिंग में जो एक बड़ा सा पैंथलासा था, उसके अंदर पेंजिया था, वो पहले तो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद वो प्लेट्स अलग अलग सेग्रीगेट हो गई। लेकिन इसके एविडेंस में प्रूफ करने के लिए उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, और लास्ट में जाके ये बोला कि वो जो फोर्सेस थी, चाहे वो टाइडल फोर्सेस हो, चाहे वो एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्सेस थी, वो इतनी इनफ नहीं थी कि उससे एक कॉन्टिनेंट बन सके या उससे पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप या फिर वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हो सके। क्रिटिसिज्म के बाद एक नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जो आज हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, वो वाली थ्योरी पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली आप लोग देखोगे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ही सब पार्ट है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद ही ये हुआ कि पता चला हमें कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को ही जब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, तो हम प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को और ज़्यादा एविडेंस के साथ प्रूफ करते जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो प्लेट का मतलब क्या है और टेक्टोनिक का मतलब क्या है। देखिए, आप एक चीज़ देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। तो जहाँ ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट एक प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं। तो आप देखोगे दो तरीके के प्लेट्स हैं, जहाँ पर वाटर है उसको हम बोलेंगे ओशिनिक प्लेट, और जहाँ पर लैंडमास है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। तो लैंडमास वाली प्लेट कौन सी हो गई? कॉन्टिनेंट वाली प्लेट्स हो गई। और पानी वाली प्लेट कौन सी हो गई? ओशिनिक प्लेट हो गई। तो ये सारी प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है तो या तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, या फिर प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही है। दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये एक दूसरे से आगे या पीछे हो रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनों में। या तो ये दूर जा रही है, ये तो ये आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हम ये तीन चीज़ों के प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो क्या होगा? प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही है, कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या होगा? प्लेट्स आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा? तो हमें आज की स्लाइड्स में यही पढ़ना है, आज के हमारे टॉपिक में यही पढ़ना है कि किस तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और वो प्लेट्स के मूवमेंट होने से किस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है और हमारा ओशियंस का फॉर्मेशन होता है। देखिए, इसके अंदर वही प्लेट्स ही समझाया गया है कि बहुत सारी प्लेट्स है लिथोस्फेयर में और उन सब का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ी थी जो अल्फ्रेड वेगनर की थी। इन्होंने पेंजिया का कॉन्सेप्ट समझाया था, इन्होंने पैंथलासा का कॉन्सेप्ट समझाया था, और इन्होंने यही समझाया था कि जब हमारे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो एक बहुत बड़ा सा हमारे पास पैंथलासा था, जिसके अंदर एक लैंडमास था जिसे पेंजिया बोला गया। बहुत सारी फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, टाइडल फोर्स हो गई, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, तो हमारे अलग अलग प्लेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और इसी तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि प्लेट्स कितने तरीके की प्लेट्स हैं हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, या फिर पूरी की पूरी अर्थ पे। अब हम अर्थ यूज़ करेंगे, अर्थ में हमारे कितनी प्लेट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है कि हमारे अर्थ पे 9 मेजर प्लेट्स हैं। सबसे पहली प्लेट का नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है पैसिफिक प्लेट, फिर है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन सारी की सारी प्लेट्स की लोकेशन देख रहे थे, ताकि हम लोगों के लिए इजी हो। देखिए, सबसे पहले जो मेजर प्लेट्स है, जो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये आपकी मेजर प्लेट हो गई।
ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपकी मेजर प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट ये आपकी मेजर प्लेट हो गई, फिर दोबारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आधा पार्ट यहाँ पर और आधा पार्ट यहाँ पर, ये आपकी प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, एंटार्क्टिका प्लेट हो गई, यहाँ पे साउथ अमेरिका प्लेट हो गई। तो आप लोग देखोगे हमारा पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स मतलब उनका साइज छोटा है या फिर वो एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर है। जैसे मैंने देखा कि ये साउथ अमेरिका के अंदर आपके कोकोस प्लेट हो गई, जोआंडी फुका प्लेट हो गई, मतलब ये बेसिकली एक बड़े लैंडमार्क का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए से माइनर प्लेट बोला गया। और जो बड़े बड़े लैंडमार्क का पोर्शन है, जैसे साउथ अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसका प्लेट भी मेजर प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसका प्लेट भी एक मेजर प्लेट हो गया। ठीक है, देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि प्लेट्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। या तो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज का मतलब होता है एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये एक दूसरे से कहाँ हो रही है, दूर हो रही है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये एक दूसरे के पास आ रही है। तीसरे नंबर पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जिसमें एक प्लेट और दूसरी प्लेट या तो आगे जा रही है, एक दूसरे के पीछे खिसक रही है। देखिए बहुत सुंदर से एग्जाम्पल से समझाया गया है कि प्लेट्स एक दूसरे से मूव अपार्ट हो रही है, दूर दूर जा रही है। तो आप देखोगे ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इस तरफ मूवमेंट कर रही है और ये इस तरफ मूवमेंट कर रही है। जैसे ही दो प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जा रही है तो बीच में क्या बन गया, एक खाली पोर्शन बन गया, और इसी वजह से किसका कंस्ट्रक्शन हुआ, रिफ्ट वैली का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो आप लोग देखोगे कि जिस तरीके से हम अलग अलग प्लेट्स के मूवमेंट पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन दिखेगा या बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का हमें ये दिखेगा कि किस तरीके से लैंडफॉर्म डेवलप हो रहे हैं। तो डाइवर्जन प्लेन से हमने क्या देख लिया, रिफ्ट वैली का क्या हुआ, इमरजेंस हो रहा है, या फिर लिफ्ट वैली का कन्वर्जेंस हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग देखोगे, देखिए ये पूरा का पूरा देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉन्टिनेंट ही प्लेट्स ही एक दूसरे के पास मिले या कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से दूर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो पानी है, मतलब वो पैसिफिक प्लेट का पार्ट हो गया, पैसिफिक इज पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन इज वाटर, तो वो पैसिफिक ओशियन का और जो आपके नॉर्थ अमेरिका प्लेट है अगर वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाती है, फिर एक दूसरे से दूर चली जाती है, फिर इस कन्वर्जेंस को हम कॉन्टिनेंट कन्वर्जन नहीं बोलेंगे, इस कन्वर्जेंस को हम ओशनिक के साथ कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस या कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस बोलेंगे। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, जब पानी और लैंडमास का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा तो किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, जब कॉन्टिनेंट्स ओनली कॉन्टिनेंट और ओनली कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा तो किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, जब सिर्फ ओशनिक और सेकेंड नंबर पर भी ओशनिक का जब कन्वर्जेंस होगा तो किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो आप देखो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है याद करना, और ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, फिर आपके माइंड में ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाए कि अगर कहीं पर भी ओशनिक और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा है तो उसे किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। देखिए जब ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले ओशनिक रिज बनेगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी का इरप्शन होगा, बहुत शैलो अर्थक्वेक आएंगे, नए सी फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर नए सी फ्लोर का क्रिएशन होगा। सी फ्लोर का मतलब होता है, आप देखोगे एक ओशनिक फ्लेयर है और दूसरा ओशनिक फ्लोर है, वो दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहा है तो अंदर का जो भी मैग्मा है या फिर अंदर का जो भी लैंडमास है वो क्या होगा, बाहर आएगा, जिसकी वजह से सी का लेवल इंक्रीज होगा। तो यही इसमें बताया गया है कि सी फ्लोर का किस तरीके से क्रिएशन होगा। नेक्स्ट नंबर पर हम लोग देखते हैं मिड अटलांटिक रिज। देखिए बच्चे ये देखो, ये है ओशीन, ये अटलांटिक ओशीन में आपने देखा होगा हमारे एक एस शेप में एक ओशीन है जिसका नाम है अटलांटिक ओशीन। अटलांटिक ओशीन के यहाँ पर है आपके ओशनिक प्लेट, नेक्स्ट यहाँ पर भी है आपके ओशनिक प्लेट। जैसे ही ये ओशनिक प्लेट इस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है तो आप देखोगे मिड अटलांटिक रिज का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ ये देखो, ये बना रखी, ये पूरा का पूरा क्या है, मिड अटलांटिक रिज है। तो हमें समझ में आया कि जैसे ही हमने कन्वर्जेंस प्लेट पढ़ी और कन्वर्जेंस प्लेट का हमने कन्वर्ज सॉरी जिस तरीके से हमने प्लेट्स पढ़ी और हमने ये देखा जब प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होती है या दूर जाती है तो किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, इस रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आप देखोगे जब कॉन्टिनेंट प्लेट
एक दूसरे से दूर जाती है। पहले हमने पढ़ा था जब ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब हम देखेंगे जब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। पहला है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन या क्रिएशन होगा, समटाइम्स ऑक्यूपाइड बाई लॉन्ग नियर लेक्स। देखिए रिफ्ट वैली हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा था कि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही थी, एक दूसरे से दूर जा रही थी और किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बेसिकली इसने यही समझाया है। आप लोग देखोगे कभी कभी उस रिफ्ट वैली में पानी भर जाता है तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर एक वाटर बॉडी भी बन जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब जो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है उसके बीच में जो लैंडफॉर्म बन रहा है वो कौन कौन से एग्जाम्पल में। पहले हमने रिफ्ट वैली देखी, अब हमने हम सबको मालूम है रेड सी, बहुत ही फेमस रेड सी है। तो आप देखोगे वो जो रेड सी का जो क्रिएशन हुआ है या फिर जो रेड सी का फॉर्मेशन हुआ है वो भी किस वजह से हुआ है, डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से हुआ है। फिर दो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, इस वजह से क्या हुआ है, इस रेड सी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो टॉपिक आता है वो है कन्वर्जन। देखो बच्चे, पहले हमने डाइवर्ज पढ़ा मतलब हमने दूर जाना पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, पास आना मतलब कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। प्लेट्स दूर जा रही थी तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका रिफ्ट वैली, ठीक है ना, आपका एग्जाम्पल था रेड सी, आपका एग्जाम्पल था वॉल्केनिक इरप्शन, आपका एग्जाम्पल था शैलो अर्थक्वेक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, प्लेट्स के दूर जाने से ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है या फिर एक दूसरे से कोलाइड होती है तो क्या बनता है। प्लेट्स कोलाइड कब होगी, फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टिनेंट है और ये एक कॉन्टिनेंट है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है और ये प्लेट इस तरफ आ रही है, तो आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर एक माउंटेन शेप में या फिर जो भी उसके अंदर लैंड मास के अंदर जो भी मटीरियल था वो कहाँ गया, एक दूसरे से कोलाइड हो गया और वो ऊपर की तरफ खिसकने लगा। तो कॉलिजन से क्या हो रहा है, एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है तो वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोलिजन हो रहे हैं। सबसे पहले कोलिजन क्या होगा, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करेगी, वही सेम एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने डाइवर्जेंट में पढ़ा था। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, जब दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करेगी। थर्ड नंबर पे क्या होगा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करेगी। तो हमारे पास तीन तरीके की कंडीशन आ गई, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की कंडीशन आ गई, हमारे पास ओशिन ओशिन की कंडीशन आ गई और हमारे पास कॉन्टिनेंटल और ओशिन इन दोनों की कंडीशन आ गई है। ठीक है, इनों की कंडीशन आने से नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो आप देखोगे जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन होता है तो इन दोनों के बीच में रॉक्स आ जाती है, वो स्क्विड श्रम, मतलब आप देखोगे जो भी फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं वो सब इस कोलिजन की वजह से बन रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप देखोगे जो आपने छोटे छोटे पहाड़ देखे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका माउंटेन का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने छोटे छोटे प्लेटियूस का फॉर्मेशन, प्लेटियूस छोटे छोटे हिल्स का फॉर्मेशन देखा होगा, या फिर आपने कन्वर्जेंस ऑफ कहीं पर मड हो गया है या फिर एक मिट्टी के टीले बन गए, तो वो किस वजह से हो रहा है, इस कोलिजन की वजह से ही हो रहा है। देखिए हिमालयन का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या हुई है, कोलाइड हुई है और उसके फॉर्मेशन से क्या हुआ है, हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आप देखोगे जब ओशिनिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करती है तब एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक प्लेट नीचे जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऑब्वियसली नीचे जाएगी और जिसकी डेंसिटी ऊपर होगी वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। जब प्लेट नीचे जाएगी तो उसको सबडक्शन बोलेंगे और जब प्लेट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट बोलेंगे। तो ये कोलिजन में या फिर दो प्लेट्स के आपस में कोलिजन से में भी आप ये प्रोसेस देखोगे कि वहाँ पे सबडक्शन और अपडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग एग्जाम्पल में देखोगे ये आपका अलूशियन आइलैंड, और अलूशियन आइलैंड किसका एग्जाम्पल है, इस कन्वर्जेंस का ही एग्जाम्पल है। ये हम बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के ट्रेंचेस का फॉर्मेशन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से कोलिजन हो रहा है। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ताकि हमें समझ में आए कि प्लेट्स किस तरीके से कन्वर्ज होती है और किस तरीके से डाइवर्ज होती है।
नेक्स्ट नंबर पे आप लोग देखोगे हमारा ये नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो हमने दो बाउंड्री के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़े उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी लोकेशन पे किस तरीके से हमें कन्वर्जेंस देखने पड़ा, किस तरीके से हमें डाइवर्जेंस देखने को पड़ा। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लेट्स का तीसरा फॉर्मेशन कैसा होता है। थैंक यू सो मच।